सबसे पहली बात थैंक यू नागपुर इन्फो कि आप यहाँ तक आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए. मेरा मैसेज आप जनता तक पहुँचा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मैं इस साल के मिस एंड मिसेस इंडिया एनिग्मा के मिस एंड मिसेस इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है. मैं टॉप 20 में जा चुकी हूँ. 29th को मेरा फिनाले है इस महीने के. मैं पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस इवेंट में. तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 नागपुर के लोग तो है ही बट पूरा का पूरा महाराष्ट्र प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए. मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लीज़ मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लीज़ मुझे वोट कीजिए. वोटिंग लाइंस भी चालू हो चुकी है दैनिक भास्कर की तरफ से और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए. ये जो आज मैं हूँ, जिस तरीके से जो मैंने अपने आप को इस तरीके इस लायक बनाया है, इसका सबसे ज़्यादा शेयर जाता है मेरे माँ बाप को, मेरे पूरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को और सबसे ज़्यादा उन लोगों को जिन्होंने मुझे लाइफ में. दो किस्म के लोग होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, दूसरा होता है जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो दूसरा शेयर जाता है उन लोगों को जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि बहुत से लोग थे जो मुझे आज से 6 महीने पहले, बोलो 8 महीने पहले, बहुत ज़्यादा बोलते थे कि अरे ये क्या करेगी अपनी लाइफ में, इसकी तो हाइट इतनी छोटी है, 5 फुट इंच है इसकी, ये ऐसी है वैसी है, ये कौन सी मॉडल है, ये लाइफ में अपने आप को क्या समझती, ऐसा वैसा. ये जितनी बातें थी मैंने लाइफ में सिर्फ सुनी, अपने अंदर रखा, पलट के इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कहते हैं ना, अपनी बुराई आप चुपचाप सुन लो और इसका जवाब वक्त पे छोड़ दो, क्योंकि वक्त ही इसका जवाब देता है और वक्त इस तरीके से जवाब देता है कि आपकी तरक्की बोलती है. और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आज मेरी तरक्की बोल रही है, क्योंकि ये मेरा मेहनत था. और मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच आप सब लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उसकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ. और जो मुझसे नफ़रत भी करते हैं या जो मेरे मुझे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, आपको भी मुझे कहना है कि आई लव यू सो मच. क्योंकि अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करते ना, तो मेरे अंदर वो खुन्नस, वो गुस्सा, वो सारी चीज़ें कभी नहीं आ पाती. और वो जुनून जो होता है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे बोलना नहीं है, कहते गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, वैसा वाला हिसाब होता है. तो मुझे वो चीज़ कभी नहीं करनी थी लाइफ में. मैं चाहती थी कि मैं इस काबिल बनूं, इस तरीके से तरक्की करूं कि लाइफ में वो सभी लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन सबके मुंह अपने आप बंद हो जाए. और मुझे आप सबसे कहना है कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज़ नागपुर, प्लीज़ महाराष्ट्र, मुझे वोट कीजिए. मैं मिस इंडिया में जब जीतूँ, जीत कर वापस आऊँ और नागपुर का ही नहीं, अपने फैमिली का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन कर सकूँ, इसलिए प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, दुआएं कीजिएगा. थैंक यू सो मच.